माइक हो माइक यहाँ का माइक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जिनके विशेष निमंत्रण पे उनके अहमद पटेल जी के हमारे वेणुगोपाल जी के सूर्यवाला जी के खासकर और हमारे अपने मित्र शक्ति सिंह गोविल जी के और तमाम कांग्रेस के मित्रों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस परिवार में स्वीकारा है। हालांकि ये बात भी है कि बहुत सालों से या कुछ महीनों से तो ज़्यादा ही कई पार्टीज में जो हमारे मित्रगण हैं चाहे ममता बनर्जी हैं चाहे केजरीवाल हैं चाहे बाकी लोग हैं या हमारे अपने फैमिली फ्रेंड लालू जी हैं इन सबकी भी चाहत थी अखिलेश जी और मायावती जी के साथ साथ कि मैं आऊं, लेकिन मैं वचनबद्ध था। जब मैं पार्टी में लोकशाही से बदलता हुआ दौर देखा, तानाशाही में देखा, भारतीय जनता पार्टी के रूप को देखा, अहंकार को देखा, गरूर को देखा, वहाँ पे जो भी देखा हमने मेरे साथ किया, जो आडवाणी जी के साथ हुआ या जो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ हुआ या परम विद्वान जो अरुण शौरी के साथ हुआ या फिर स्टेटमैन हमारे झारखंड के ही विदेश मंत्री और भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को देखा, उनकी हालत देखी, उनके साथ जोर जुल्म ज्यादती और प्रताड़ना देखी, उन लोगों के साथ जिन्होंने पार्टी को बनाया और पार्टी के मुखिया को बचाया भी राष्ट्र धर्म के वक्त में, ऐसे लोगों की हालत देखी। तो जब मैं निकलने को बाहर हित को तैयार था, हमने कहा अब ये जोर जुल्म ज्यादती नहीं चलेगी, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का दौर अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर है। तब हमने जब बाहर जाने की सोची, कई रास्ते थे, लेकिन अंतोगत्वा सबसे बढ़िया रास्ता सही दिशा और नई दिशा हमारे लिए रहा और वो रहा कांग्रेस परिवार, वो परिवार जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जहाँ की सदियों को यानी सदियों से सदी से ज़्यादा पुरानी पार्टी और जो महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके वल्लभ भाई पटेल से लेके मौलाना आज़ाद से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी और बड़े बड़े विद्वानों की जो पार्टी रही है, देशभक्तों की कमिटमेंट के साथ जो लोग वहाँ रहे हैं और आज तक बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे देश में, जिनका देश की योगदान देश की तरक्की में देश की नेशनलिज्म का मामला हो, देशभक्ति और देश के विकास के मामले में जितने IIMs आए हैं, IITs आए हैं, जितने इंस्टीट्यूशन आए हैं, IAS, IPS के ये बड़े बड़े जो भाखड़ा नंगल डैम से लेके आप सबों को पता है, तो हमें लगा यही सही दिशा और नई दिशा और इसी में चलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कांग्रेस परिवार का और मैं अपने लिए भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं देर से ही सही कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ, मगर दुरुस्त साहब में शामिल हुआ हूँ। आज उन्होंने मुझे नेशनल स्टार प्रचारक बनाया, हालांकि मेरी कोई मांग नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने चाहा, उन्होंने कहा और उनके खास कहने पे बिहार दौर का की शुरुआत सबसे पहले मैं भाई और लीडर राहुल गांधी के ही नेतृत्व में उनके साथ हमने गया से की थी शुरुआत मांझी जी के लिए, उसके बाद कई जगह आया मैं, उसके बाद यहाँ से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपने लिए तो करता ही रहा पटना साहिब में, लेकिन साथ ही साथ पार्टी की मांग पे और देश के हित का ख्याल रखते हुए परिवर्तन की घड़ी में परिवर्तन की लहर में मैं कर्नाटका भी गया, महाराष्ट्र भी गया, जगह जगह बहुत सारे जगह गए, लखनऊ भी गया, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन लखनऊ के अलावा फिर हर जगह मैं अब झारखंड आया हूँ, हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं और बहुत ही फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ज़बरदस्त नेता हैं सुबोध कांत सहाय, और सुबोध कांत सहाय बहुत कम लोगों को पता होगा या शायद पता हो कि राजनीति में एक तरफ जहाँ मेरा भारतीय जनता पार्टी में लालन पालन पोषण लेट एंड ग्रेट भारत रत्न नानाजी देशमुख या भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण अडवाणी जी के हाथों हुआ, कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों हुआ, मदनलाल खुराना जी के हाथों हुआ, वहीं उसी समय
जो मुझे पब्लिक लाइफ में लेकर आया और जो ट्रेनिंग दी मुझको सही मानों में कि पब्लिक लाइफ में कैसे आया जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, कैसे आगे चला जाता है, वो ट्रेनिंग दी मुझसे उम्र में छोटे होते हुए वे गुणों में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं और वो है सुबोध कांत सहाय। इसलिए मेरा दायित्व था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सुबोध कांत जी के साथ हूँ, खासकर और हुई जब कांग्रेस परिवार और यहाँ तो गठबंधन है, बड़ा सुदृढ़ गठबंधन है, चारों तरफ में गठबंधन का बहुत जोरदार बोलबाला देख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक सुबोध कांत जी के आया। और अभी जैसा मैंने कहा लखनऊ के बारे में बात बताऊँगा, अभी अपने इस रूप को त्यागते हुए, राजनैतिक रूप को त्यागते हुए इस वक्त दो रोज के लिए या एक रोज के लिए मैं अपने लखनऊ जा रहा हूँ पत्नी धर्म का पालन करने और वहाँ। लेकिन ये बता दो उसके पहले कुछ आप सवाल करें और वही मैं समाप्ति भी कर दूँ। वो सेतु का काम करेंगे कि मैं सेतु का काम करूँगा कि हम जैसे लोग सेतु का काम करेंगे, जो करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हम वही चाहेंगे जैसे हमने भी अभी गठबंधन में आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोगों ने सराहना भी की कि जब कांग्रेस का और हमारे लालू परिवार का जब गठबंधन हो रहा था कुशवाहा जी के साथ मिलकर और मांझी जी के साथ मिलकर और हमारे वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर, तो थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी रहा उसमें, जिसकी लोगों ने सराहना की ताकि एकदम सही देश में संदेश जाए, गलत ना हो, एकदम मजबूती का गठबंधन बने। ऐसे हालात जब पैदा हों और जब ये जरूरत पड़े, तो आप जानते हैं मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण का आदमी हूँ, हमारी वही कोशिश होगी, हमारी पत्नी की भी, हमारे परिवार की भी, रामायण परिवार की, जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, जनता की अपेक्षाओं और इच्छा की रक्षा और सुरक्षा का जहाँ पर सवाल आता है, देश की सुविधा का सवाल आता है या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं उनको, और उसका हम पॉलिटिकल या राजनैतिक तौर पे उसको इनकैश नहीं करते। ये मामला देश का और जिनका आपने नाम लिया उनका नाम तो देश और विदेशों की मदद से हुआ है, बहुत सालों से कोशिश थी, गवर्नमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, अभी डिक्लेयर किया गया है, बहुत कुछ होना बाकी है। ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है, एक सुर में बात करनी चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। जैसा उन्होंने पिछली बार तथाकथित बालाकोट और एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर पोलिटिकल माइलेज लेने की बहुत कोशिश की, वो सही नहीं है, देश की जनता इसे सही नहीं। आप वो विचारधारा से बदलकर लोकशाही से तानाशाही में आगे हो रही है, दुनिया ने देखा है, जिसे मैं वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी कहता हूँ, जिसे अब दुनिया भी मानती है। लेकिन अगर आप मेरा जानना चाहते हैं रिश्ता, तो मैं ये तो ज़रूरी है कि जिस पार्टी में मेरा पालन पोषण हुआ, जहां मेरी ग्रूमिंग हुई, जितने सालों रहा वहां, नानाजी देशमुख, अटल जी, अडवाणी जी के इतने करीब रहा, अडवाणी जी को मैं फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु मानता रहा हूं, तो अचानक रातों रात तो ऐसा तो नहीं होगा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा और अभी भी मिलता रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा भी आदर उनके प्रति हमेशा कायम रहेगा, परिवार की तरह रिश्ते। लेकिन जिन कारणों से और जिन लोगों ने हरकत की है वो सर्वविदित है, सबों को इस बात का पता है, ये किसी से छुपा नहीं, जब जाहिर है, तो समय रहते मैं निकल गया, वो लोग नहीं निकल पाए, नहीं निकले, हो सकता उनके सामने तख्ती लग गई हो, जाए तो जाए कहाँ, लेकिन मैं अभी भी निकल सकता था, झेल सकता था, सह सकता था और नई पारी बहुत अच्छे से खेल सकता था। इसलिए जहाँ जहाँ जाता रहा कहता रहा, और आप जिन लोगों को लगता है कि मुझे खराब कर रहा था, मैं देश के हित में कह रहा था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना रहा और मैं समझता हूँ तमाम कांग्रेस परिवार का, बाकी सारे परिवार की बात को मानते होंगे और जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो मुझे लग रहा था ये गलत हुआ है, नोटबंदी गलत हुई है, ये इससे लोग त्राहिमाम स्थिति में आ गए, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, रोजगार बेरोजगार में सही थे और हो गए, किसानों की क्या हालत, मजदूरों की हालत, महिलाओं की क्या हालत, और उसके बाद नीम पे करेला जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया कि अच्छे अच्छे नहीं समझे। लेकिन जीएसटी तो यूपीए का प्रपोज था, मगर आपको मनमोहन सिंह सरकार ने प्रपोज किया, ये प्रपोज तो किया था, मगर इस तरह से प्रपोज नहीं कह रहे थे, प्रपोजल अभी आया सामने होगा और आपको याद होगा, आपको अगर हमने कहा जीएसटी प्रपोज किया था यूपीए ने, तो सबसे ज्यादा अपोज किसने किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, गुजरात ने किया था,
इन्होंने सबसे ज्यादा अपोज किया। तो मैं अगर संक्षेप देखो सारी बातें मैंने रफेल नहीं है वो मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही। मैंने नहीं कहा है कि आप दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप दोषी नहीं हैं जब तक चल बातों का जवाब आप गुना प्राइस कंपनी को क्यों दिया गया। आपके 136 हवाई जहाज की 126 हवाई जहाज की बात की, 26 हवाई जहाज क्यों हुआ, आपने उस कंपनी को उसने क्लियर क्यों दिया जिसने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए, सुपरी बनाए, ब्रिक बनाए। आपके बोर्ड पे डिफेंस मिनिस्टर छुट्टे थे, आपके बोर्ड पे जो ब्यूरोक्रेट्स ने मना किया था इंटरनेटी वालों ने आपने उनको दरकिनार किया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आशंका भी है, साइडेड फ्रेंड भी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। सर कल लास्ट क्वेश्चन है, कल हेमाली ने कहा कि कांग्रेस के नसीब में नहीं है रांची, कल हेमाली ने कहा था, तो कल आप लोग दोनों थे वहाँ पर, क्या लग रहा है हेमाली? आप जानते हैं हेमा मालिनी हमारी पारिवारिक मित्र हैं, वो जब कह रही है उसे कहलवाया जाता है, उसके बारे में पाटलिपुत्र सीट के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? कौन सी सीट पाटलिपुत्र जहाँ से आप चुनाव? मैं वही सवाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है जिस तरह से लोकल यूनियन बिहार यूनियन के विरोध के बावजूद दो बार वहां से चुनाव लड़ा है, दोनों बार रिकॉर्ड मारकर नहीं कर रहा, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, मैं बड़ी चले हुए हाथ कट लो ना, वो नहीं चाहते थे दूसरे से कर ले। और आपको याद होगा पिछली बार देश में बावजूद देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर मार्जिन लेकर मैं आपके आशीर्वाद जनता खबर रिकॉर्ड मार्जिन देश में आशीर्वाद है, प्रेम है, उसके उनका मानते हुए जानते हैं काम भी बहुत हुआ है, काम भी बहुत हुआ है, हमें हमेशा सीनियर लगाकर रखते हैं। इसके मैंने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो लोकेशन वही होगा, मैं अपने वचन की रक्षा के लिए उसी लोकेशन अपनी सिचुएशन भले ही आज बढ़िया दिशा में आया दिशा कांग्रेस के साथ, लेकिन आया हो हैट्रिक करेंगे आप अमित तो महीने में अहंकार आ गया, अहंकार नहीं आ रही।